हेलो स्टूडेंट, आम दिव्या कथीरिया एंड जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमारा नया चैप्टर यानी कि पार्ट टू का चैप्टर नंबर वन प्रोबेबिलिटी शुरू किया है, जिसका वेटेज काफ़ी अच्छा है हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर? तो हम लोगों ने उस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट थे और उसके सैम्पल स्पेस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में देखा। अब और कुछ ऐसे टर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है जिसके वजह से हमारा जो मतलब क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन है उसका क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। और ये जो हम लोग टर्म आज देखने वाले हैं वो सारे टर्म 2 मार्क में और 3 मार्क में भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्लियर? सेक्शन डी के लिए तो आज हम लोग जो हमारे टर्म्स देखने वाले हैं वो फर्स्ट वन हमारे डेफिनेशन है इवेंट, यानी कि अगर जब भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई इवेंट हैपन तो होगी ही ना। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं इवेंट के बारे में। अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। सबसेट का मतलब क्या होता है गाइस? कि अगर कोई एक इवेंट है वो किसी और का सबसेट है, इट मीन्स कि वो इवेंट के सारे एलिमेंट्स जिसका वो सबसेट है ना उसके अंदर इंक्लूड होंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट का साइन गाइस ऐसा होता है। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि ए के सारे जो एलिमेंट्स है ना वो किसके अंदर कंक्लूड हुए हैं, बी के अंदर, यानी कि बी बड़ा है उसके अंदर ए के सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। क्लियर? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे देखते हैं अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल एन इवेंट। यहाँ पे हमारा कोई इवेंट ए हैपन हो रहा है और वो इवेंट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि सबसेट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पल स्पेस हमें मिला होगा, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। यू का मतलब क्या होता है, सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पल स्पेस है वो सारे एलिमेंट को कंसिडर करके रखेगा। क्लियर? क्योंकि सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट बनाते हैं वो सैम्पल स्पेस हो जाता है। और अगर कोई एक इवेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट हैपन करते हैं जिसके सारे एलिमेंट यू के अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर हो रहे हैं सारे एलिमेंट्स, तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ यू। यानी कि वेन डायग्राम, गाइज वेन डायग्राम भी आपको बहुत सारे टाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है, 3 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग टर्म्स आपको देते हैं और फिर उसमें अलग अलग डेफिनेशंस भी पूछे जा सकते हैं, 3 डेफिनेशंस पूछते हैं या तो फिर ठीक वेन डायग्राम पूछते हैं। लास्ट का जो हमारा पेपर रहा है 2019 का, उसमें 3 मार्क में ऐसे 3 डेफिनेशंस पूछे थे और उसके सिर्फ वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करने थे। क्लियर? तो ये जो हमारा है सैम्पल स्पेस, यानी कि ये जो बॉक्स बनाया हम लोगों ने वो है हमारा सैम्पल स्पेस। और गाइज ऐसे जो डायग्राम होते हैं उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्लियर? ये हमारा सैम्पल स्पेस है, उसके अंदर आ चुका है कौन, इवेंट ए, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। कोई एक इवेंट है जिसके सारे एलिमेंट यू के अंदर कंसिडर होते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ए सबसेट ऑफ यू। यानी कि ये जो इवेंट ए हो रहा है वो हमारा क्या बन जाएगा, इवेंट। क्लियर? अगर कोई एलिमेंट सैम्पल स्पेस के अंदर कंसिडर होते हैं तो वो क्या बन जाता है, इवेंट। यानी कि उसको नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि ए सबसेट यू। क्लियर गाइस? अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि ए क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, सैम्पल स्पेस का। और वो सैम्पल स्पेस भी किसका होना चाहिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट का। यानी कि हमारा ए सबसेट है किसका, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस का, तो उसे कहेंगे हम लोग इवेंट। क्लियर? फिर सेकेंड वन है, इवेंट के रिलेटेड ही है, इम्पॉसिबल इवेंट। गाइज अब जरूरी नहीं है कि हम लोग इवेंट हैपन करने वाला है तो पॉसिबल ही होगी, पॉसिबल भी हो सकती है, इम्पॉसिबल भी हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहेंगे, द स्पेशल सबसेट फाइ। गाइज इसको प्रोनाउंस किया जाता है फाइ, फाइ का मतलब होता है नल, एम्प्टी, खाली। क्लियर? और एम्प्टी कर्ली ब्रेकेट, गाइज इसे क्या कहते हैं, कर्ली ब्रेकेट कहते हैं। क्लियर? और वो कर्ली ब्रेकेट कैसा होना चाहिए, एम्प्टी। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जितना भी लिखते हो ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट। यानी कि अगर आप स्पेशल सबसेट क्रिएट करते हो और वो सबसेट में क्या होता है, फाई या तो फिर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, एम्प्टी सेट ऑफ द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ, सॉरी यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट आएगा, इज कॉल्ड अ इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं द स्पेशल सबसेट फाइ और एम्प्टी कर्ली ब्रेकेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट मीन्स
कि हमारा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सैंपल स्पेस के अंदर लाई हो रहा है, उसके अंदर से आ रहा है। जैसे यहाँ पे ए सैंपल स्पेस के अंदर आ रहा था, क्लियर। यहाँ पे क्या है, फाई, फाई मतलब नल, खाली, कोई नहीं, कोई भी एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर नहीं आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, क्लियर। द स्पेशल सबसेट फाई ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ इम्पॉसिबल इवेंट, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट हम लोग किसे कहेंगे, गेटिंग अ बोथ एच एंड टी, हेड एंड टेल। अगर हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है कि एच और टी दोनों एक साथ आएंगे, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भी चलो मैं ये पेन, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल कॉइन है और कॉइन को लेती हूँ और ये एकदम बीच में ही खड़ा हो जाएगा, ये सिर्फ ऐसा मूवी में हो सकता है, क्लियर। यानी कि यहाँ पे H और T दोनों एक साथ में एक ही टाइम पे जब कॉइन टॉस करेंगे तो कभी भी नहीं आएंगे। शायद आप 1000 बार उसको टॉस करो या फिर 1 टाइम करो या फिर 100 करोड़ टाइम करो, फिर भी वो ऐसा नहीं आएगा। यानी कि ये इवेंट कैसा है, इम्पॉसिबल है। सेकेंड वन एग्जाम्पल लेते हैं, गेटिंग टू नंबर 4 and 6 ऑन डाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डाई थ्रो कर रहे हैं तो उसमें हमें 1 से लेके 6 में से कोई एक ही नंबर मिलेगा, क्लियर। यानी कि 4 और 6, ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने कभी डाई थ्रो किया और उसके ऊपर 4 भी आएगा और 6 भी आएगा, नहीं आएगा ना, सिर्फ दोनों में से कोई एक आ सकता है। यानी कि ये दोनों एक साथ आए विद टुगेदर, वो कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि कोई ऐसा इवेंट हैपन हो रहा है जिसमें हमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं मिलेंगे जो सैंपल स्पेस के अंदर से हो रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। गाइज अब इन दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करो तो याद रखने में भी आपको बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम लोग उसको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, ट्रिक देखते हैं। सबसेट ऑफ इतना जो सेंटेंस है ना, सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो सब में कॉमन आएगा। यहाँ पे भी देखो सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके आगे क्या लिखना है ना वो देखता है, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी कि ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, और वो जो सेंटेंस है वो तो सेम ही है, ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है कि ए सबसेट ऑफ, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखना है, द स्पेशल सबसेट फाइ ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इतना तो कॉमन ही है कि ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे सिर्फ सबसेट है, यहाँ पे क्या है, स्पेशल सबसेट फाइ है, या तो फिर एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। अब नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं सर्टेन इवेंट। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कुछ इवेंट इम्पॉसिबल भी हो सकते हैं, तो कुछ इवेंट ऐसे भी तो होंगे ना कि 110% वो हैपन होने ही वाली है, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, द स्पेशल सबसेट यू ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा यूनिट है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कंपल्सरी सैंपल स्पेस में आने ही आने वाला है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्टेन इवेंट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, द नेक्स्ट टू सैटरडे वो कौन सा वाला होगा, संडे, क्लियर। यानी कि हमें इतना ही पता है कि सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे ही संडे आएगा। आप कदाच यूएसए में चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, सैटरडे के बाद संडे ही आएगा और संडे के बाद मंडे ही आएगा। तो ये क्या है, एक सर्टेन इवेंट है कि नेक्स्ट डे कौन सा होगा, सैटरडे के बाद संडे ही होगा। तो ये संडे हैपन होना कौन सा इवेंट बन जाता है, सर्टेन इवेंट। जैसे हम लोगों के यहाँ पे शाम होती है तो कंपलसरी परफेक्ट ये कि दूसरे दिन क्या होने वाली है, सुबह ही होने वाली है, क्लियर। तो ये सारी जो इवेंट्स होती है ना, वो कैसी होती है, सर्टेन इवेंट होती है, क्लियर। जैसे जैसे हम लोग डे डे काउंट कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग रोल नंबर काउंट कर सकते हैं कि भाई रोल नंबर 1 है उसके बाद रोल नंबर 2 ही आएगा, 2 है उसके बाद 3 ही आएगा, क्लियर। तो ऐसे हम लोग जो इवेंट्स हैपन करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, सर्टेन इवेंट। अब गाइज आप ये तीनों डेफिनेशन को कंपेयर करो, इवेंट, इम्पॉसिबल और सर्टेन। इवेंट में हमें सिर्फ कितना वर्ड चेंज करना है, सबसेट, बाकी का तो सेम ही है, ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या करना है, स्पेशल सबसेट फाइ ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमें सिर्फ कितना रिमेंबर करना है, द स्पेशल सबसेट यू, क्लियर, ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन यहाँ पे सबसेट, स्पेशल सबसेट फाइ, स्पेशल सबसेट यू ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एंड
सर्टेन इवेंट, क्लियर। अब नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब यहाँ पे देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है। अगर हम लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, अगर एक गुड्स यूज़ नहीं कर सकते तो हम लोग उसके कॉम्प्लीमेंट्री में सेकेंड वन गुड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेम थॉट्स है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से है। यहाँ पे हमें सपोज कर लेना है कि सपोज यू, यू का मतलब क्या होता है, सैम्पल स्पेस। सपोज सैम्पल स्पेस इज अ फाइनाइट सैम्पल स्पेस, कंपल्सरी अगर हम लोग कोई इवेंट ले रहे हैं तो उसका सैम्पल स्पेस कैसा होना चाहिए, फाइनाइट ही होना चाहिए, तो ही हम लोग अच्छी तरीके से उसको जस्टिफाई और काउंट कर पाएंगे, क्लियर। यानी कि हमें पहले से अज्यूम करना है कि सैम्पल स्पेस को कैसा होगा, फाइनाइट होगा, क्लियर। ए इज वन ऑफ इट्स इवेंट, इतना अज्यूम कर लेना है कि उसका सैम्पल स्पेस फाइनाइट है और कोई एक ऐसा इवेंट है जिसका नाम है ए जो हैपन हो रहा है, क्लियर। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ यू, यानी कि सैम्पल स्पेस विच आर नॉट इन द इवेंट ए, यानी कि ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं आ रहे हैं वो बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी कि द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ यू विच आर नॉट इन द इवेंट ए, इवेंट ए के अंदर नहीं है वो बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ए, क्लियर। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास वेन डायग्राम अवेलेबल है, ये हमारा सैम्पल स्पेस यू है, हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके से इतने इवेंट है, क्लियर। हम लोगों ने जो सर्कल किया है ना वो हमारा इवेंट ए है और उस सर्कल के बाहर जितना भी एरिया है ना वो सब क्या है, हमारा ए डैश। यानी कि ए के अंदर जो नहीं आ रहा है वो बाहर का सब कुछ हमारा क्या हो जाता है, ए डैश। यहाँ पे क्या है, विच आर नॉट इन सेट इवेंट ए, यानी कि ए के अंदर नहीं है वो सब कुछ क्या हो जाएगा, ए डैश, क्लियर। उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय ए डैश, ए बार से भी डिनोट कर सकते हैं, ए डैश ए बार से डिनोट कर सकते हैं, या तो फिर ए सी सुपर स्क्रिप्ट में आपको ऊपर जैसे स्क्वायर करते हैं ना वैसे क्या लिखना है, सी। तो हम लोग ज़्यादातर जो नोटेशन है ना वो ए डैश यूज करते हैं फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, क्लियर गाइज, ये समझ में आए। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने कुछ नंबर भी अलॉट किए हैं ताकि हम लोग ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाए। ए के अंदर नंबर कंसिडर हो रहे 1, 3 एंड 4, बाकी सैम्पल स्पेस अगर आप पूरा देखोगे ना, ये हमारा जो पूरा सैम्पल स्पेस है उसमें नंबर कौन कौन से कंसिडर हो रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यानी कि 1 से 8 हमारा सैम्पल स्पेस है। उसके अंदर ए में कितने हैं, 1, 3 एंड 4, यानी कि 1, 3 और 4 हमारा इवेंट ए है। यानी कि सैम्पल स्पेस के ऐसे एलिमेंट जो इवेंट ए के अंदर नहीं है, इवेंट ए के अंदर कौन से नहीं है, ये 2, 5, 6, 7 और 8, तो ये बाकी के जितने भी नंबर्स है वो सारे क्या कंसिडर होंगे, ए डैश। आपको गाइज एग्जाम में अगर वैन डायग्राम पूछा जाता है तो ये नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ये ऐसे एरिया भी दिखा दोगे लाइन करके तो भी चलेगा, क्लियर। ए डैश का अगर हम लोग नोटेशन में डिनोट करने जाए तो क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस उसमें ए के अलावा के सारे एलिमेंट्स, क्लियर। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सैम्पल स्पेस में इसको माइनस कर देंगे तो बाकी का जितना एलिमेंट बचेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। यानी कि ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए, सेम एज इट इज अपोजिट साइड। अगर आपको ए डैश पता है और ये फाइंड करना है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि यू में से ये सब कुछ माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। यानी कि ए अगर फाइंड करना है तो यू में से आप ए डैश माइनस करोगे तो भी मिल जाएगा। अब जो हमारा टर्म है वो है इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वन डेफिनेशन है वो है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट, यानी कि हमें पहले से ही अज्यूम कर लेना है, सपोज कर लेना है कि हमारे पास टू इवेंट है, ए एंड बी आर ऑफ फाइनाइट सैम्पल स्पेस यू, और सैम्पल स्पेस भी कैसा है, फाइनाइट है। यानी कि हमें अज्यूम कितना करना है कि हमारे पास टू इवेंट है ए एंड बी, और वो भी किस में से लाई हो रहा है, फाइनाइट सैम्पल स्पेस यू में से। द इवेंट वेर इवेंट ए एंड बी अकर्स सिम्यूलटेनियसली इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन इवेंट। यानी कि हमारा अजम्पशन है ए एंड बी टू इवेंट्स है, वो भी कहाँ से है, फाइनाइट सैम्पल स्पेस यू में से है। तो अगर ए एंड बी अकर्स सिम्यूलटेनियसली, यानी कि अगर दोनों साथ में हैपन होता है, विट टुगेदर हैपन होता है, एंड कंपल्सरी विट टुगेदर हैपन होता है,
तो ही हम लोग वो इवेंट को क्या कह पाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। यानी कि यहाँ पे देखो, ये हमारा वेन डायग्राम है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं भाई ऐसे, मतलब पूरा उल्टा बाउल ऐसा, क्लियर। ये हमारा सैंपल स्पेस है, उसमें ये हमारा इवेंट ए है, ये हमारा इवेंट बी है। अब ये देखो कि दोनों सिर्फ साथ में सिमल्टेनियसली सेम पोर्शन कितना हैपन कर रहा है, यानी कि ये वाला जो हमने लाइनिंग करके दिखाया है वो, ये पूरा जो पोर्शन है वो, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। ए बी हैपन होना चाहिए एंड बी दोनों साथ में ही हैपन होने चाहिए, दोनों में जितना कॉमन एरिया है वही हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 5 एंड 9, बी के अंदर है 3, 4, 9, 10 एंड 11। अब इंटरसेक्शन के हिसाब से क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है वो, सिमल्टेनियस साथ में हैपन होता है वो, कितना कितना एलिमेंट कॉमन है दोनों में, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है कि जो दोनों में सेम हो, यानी कि 3 और 9 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर गाइस। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, सेम इज इट इज उसके जैसा ही है कि यूनियन ऑफ इवेंट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये दोनों अपोजिट जैसा हम लोग कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन और यूनियन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम इज इट इज, यहाँ पे भी अजम्पशन सेम ही है। सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेस यू, ये हमें खास रिमेंबर करना है कि हमारा सैंपल स्पेस कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। अब देखते हैं द इवेंट वेयर इवेंट ए अकर्स, इवेंट बी अकर्स और बोथ द इवेंट ए एंड बी अकर्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, इवेंट ए हैपन होगा तो भी चलेगा, इवेंट बी हैपन होगा तो भी चलेगा, और अगर दोनों साथ में हैपन होते हैं तो भी चलेगा, यानी कि ए होता है तो भी चलेगा, बी भी चलेगा, और दोनों साथ में होते हैं तो भी चलेंगे। द इवेंट वेयर इवेंट ए अकर्स, इवेंट बी अकर्स और बोथ द इवेंट ए एंड बी अकर्स इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ इवेंट। यूनियन में हम लोग उसका नोटेशन करेंगे ए यूनियन बी, ऐसा सैंपल स्पेस जैसा ही उसका भी नोटेशन होगा, क्लियर। ये हमारा वेन डायग्राम है, ये हमारा पूरा इवेंट ए है, ये हमारा पूरा इवेंट बी है। यहाँ पे क्या है, ए हैपन होगा तो भी चलेगा, बी हैपन होगा तो भी चलेगा, और दोनों के साथ का एरिया हैपन होगा तो भी चलेगा, क्लियर। यानी कि ए अकर्स, बी अकर और ए एंड बी बोथ अकर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ इवेंट। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने सेम एग्जांपल लिया था ना, यहाँ पे सेम लेते हैं, ए में था 1, 2, 3, 5 एंड 9, बी में था 3, 4, 9, 10 एंड 11, यहाँ पे क्या है, ए अकर होगा तो भी चलेगा, ए के सारे एलिमेंट देखो, तो ये यूनियन क्या हो जाएगा। यूनियन फाइंड करते समय हमें ये रिमेंबर करना है कि दोनों इवेंट के सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं, लेकिन जो रिपीटेशन वाले एलिमेंट्स है उसको सिर्फ वन टाइम ही लेना है, क्लियर। अगर 3-3 रिपीट हो रहा है तो उसको 3-3 टू टाइम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, 1, 2, 3, 5, 9 ए के एलिमेंट्स है, यहाँ पे आ गए 1, 2, 3, 5 और 9। बी के एलिमेंट देखो 3, 4, 9, 10 एंड 11, 3, 4, 9, 10 एंड 11। अब ये देखो 3 वाला जो है और 9 यहाँ पे कॉमन है, 3 एंड 9, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको कितने टाइम लिखा, वन टाइम ही लिखा, क्लियर। यूनियन और इंटरसेक्शन में मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें सिर्फ उतने एलिमेंट्स लेने हैं जो सेम सेम होंगे, यहाँ पे हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं सारे एलिमेंट्स, लेकिन रिपीटेशन वाले एलिमेंट्स सिर्फ वन टाइम ही लेने हैं, क्लियर।